हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल ओशन टेक्निकल गुरुजी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो मैंने बहुत सारा बताया हुआ है, कोई भी डाउट हो कि आप मेरे को डीएम करो, कोई भी डाउट हो उससे मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आपका। और फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को डायरेक्ट डीएम करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक बात बताने वाला हूं, क्योंकि एक बंदे ने मेरे को डीएम किया था कि भाई हमने एक बात सुनी है, वीडियो भी वायरल हो रहा है कि बिहार में पटना में मेरिन ड्राइव पर दो बंदे जो चाय बेच रहे हैं, और वो उनका ठेले का नाम है मर्चेंट नेवी चाय वाला। अब वो चाय क्यों बेच रहे हैं? वो मर्चेंट नेवी में है तो वो चाय क्यों बेच रहे हैं? तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो मैं आपको उनका बताता हूँ कि उनका सच क्या है। तो चलो देखिए। तो फ्रेंड्स, उन्होंने एक बात बोली थी कि हमने कोर्स कहाँ से किया है, मिलिट्री से। मिलिट्री कॉलेज है जो कि अपने कोलकाता में है, ठीक है। वो कॉलेज का नाम ले रहे हैं, ठीक है, मिलिट्री कॉलेज। तो फ्रेंड्स, उस कॉलेज में आप गूगल पे सर्च करना है कि उस कॉलेज के अंदर कौन से कोर्स है। फ्रेंड्स, आपको पता चलेगा उस कोर्स के, उस कॉलेज के अंदर आपको मैक्सिमम 25 वीक्स का जो कि जिपरेटिंग कोर्स होता है, जिपरेटिंग कोर्स को आप मतलब 6 मंथ का बोल सकते हो या 25 वीक्स का होता है वैसे तो ये, तो उस 25 वीक्स से बड़ा कोई कोर्स ही नहीं है, मतलब जिपरेटिंग से बड़ा कोई कोर्स ही नहीं है। और उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या बोला है कि उन्होंने मतलब झूठ बोला है, मैं सीधा बोलता हूँ, उन्होंने बोला कि हमने 1 ईयर का कोर्स किया था, 1 ईयर का कोर्स, 1 ईयर का कोर्स किया है, और जो कि इस इंस्टीट्यूट में है ही नहीं, उन्होंने बोला है। और उन्होंने दूसरी बात ये बोली है कि हमारी फीस ली गई थी कि 3 लाख रुपए। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जीपीरेटिंग 3 लाख रुपए नहीं है, जीपीरेटिंग फीस 3 लाख रुपए नहीं है, और डीएनएस कोर्स जो कि 1 ईयर का है, जो कि उस इंस्टीट्यूट में है ही नहीं, यदि होता भी तो उसकी फीस 3 लाख नहीं, जीपीरेटिंग डीएनएस कोर्स की फीस बहुत ज्यादा होती है, समथिंग किसी की 4 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की 7 लाख भी होती है, किसी 7.5 लाख रुपए भी होती है। तो आपको पता ही होगा ये कोर्स डीएनएस कोर्स है ही नहीं, और उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी है वो डीएनएस की, यूनिफॉर्म डीएनएस के जो कि उस कॉलेज में है नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात गारंटी के साथ कह देता हूँ कि उन्होंने कोर्स कोलकाता से क्यों चाहे कहीं से भी क्यों, मेरे को ये लगता है कि वो फ्रॉड में फंसे हुए हैं, क्योंकि 1 ईयर का कोई कोर्स नहीं है जिसका 3 लाख रुपये फीस है, वो मैंने आपको बता दिया। और वो चाय बेच रहे हैं, और वो बोले हम मुंबई भी गए थे, कंपनी प्लेसमेंट नहीं दे रही है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जीपी रेटिंग वालों को कोई कंपनी प्लेसमेंट नहीं देती, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देती, पहले से मैं बता देता हूँ। यदि आप टीएस रहमान मुसी में और द ग्रेस्ट ट्रेन में करवाते हो तो वो भी आपको स्पॉन्सर नहीं करती है, आपका वहाँ चलो एडमिशन हो गया तो ऐसा है कि हमारी जॉब कन्फर्म है, वरना कोई उसका ऐसा नहीं है कि हमारी जॉब की गारंटी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर कंपनी आती है, बड़ी बड़ी कंपनी आती है, बहुत सारी कंपनी आती है, वो आपको ले लेती है, वो अलग बात है। हालांकि कोई गारंटी वहाँ भी नहीं दे रहा है कि हम आपको जॉब देंगे, वो बोल रहे हम मुंबई भी गए थे ये वो। और दूसरी बात ये भी बताता हूँ, यदि उन्होंने 1 ईयर का कोर्स किया है और जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी है उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने कैडेट वाली यूनिफॉर्म पहन रखी है, और यदि उन्होंने कैडेट का कोर्स किया हुआ होता तो वो ऐसी हरकत करते भी नहीं, ना कोई चाय बेचते ना कुछ और, मैं सीधा बता रहा हूँ। मुंबई जाते, किसी कंपनी में जाते, कोई कंपनी पक्का उनको लेती यदि उन्होंने प्रॉपर कोर्स किया। तो मेरे को तो यही लगता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, 1 ईयर का कोर्स कुछ नहीं किया उन्होंने, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं उनको, क्योंकि उनका मैंने इंटरव्यू सुना था उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, उन्होंने कोई कोर्स किया नहीं लगता है। मेरे को लगता है उनके पास ओपन जीडीसी ओनली फॉर, और कुछ नहीं है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, आप इस कॉलेज का नाम बदनाम कर रहे हो क्यों फ्रेंड्स? इस कॉलेज में बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपको पता होगा, इसके अंदर डीएनएस कोर्स भी नहीं है, इसके अंदर मैक्सिमम कोर्स है तो जीपी रेटिंग है जो सबसे बड़ा कोर्स है, और कोई कोर्स नहीं है वहाँ पे। एसटीडब्ल्यू कोर्स ये तो नॉर्मल चलते रहते हैं, बहुत सारे कोर्स है छोटे मोटे, तो लेकिन सबसे बड़ा कोर्स जीपी रेटिंग ही है उसमें। यदि आपको कोई भी डाउट है कि भाई उसमें और भी बड़ा हो सकता है या मैं झूठ बोल रहा हूँ आपको ये लगता है, तो आप इसको ये कॉलेज सर्च करना आप गूगल पे, तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कौन से कोर्स है, जीपी रेटिंग है, एसटीडब्ल्यू ये है, यदि डीएनएस वगैरह है तो वहाँ पे नहीं है। और दूसरी बात बोल रहे हमने कोर्स किया, एक बात मैं और बताता हूँ आपको, डीएनएस पे आपको मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, मैं जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं प्रॉपर उस वीडियो बनाऊंगा। डीएनएस कोर्स कोई बंदा करता है ना, पहले उसको आईएमयू सीटी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, आईएमयू सीटी डीएनएस कोर्स करेगा उसको पहले आईएमयू सीटी एग्जाम कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद
उसको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है, स्पॉन्सरशिप देती है उनको कंपनी। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि हमने कौन सा एग्जाम दिया, कौन सा क्या किया। आईएमसीटी का एग्जाम दिया, एक बंदे ने पूछा था कि आपने एग्जाम दिया, बोलता नहीं इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। जिसको यार आईएमसीटी के बारे में पता नहीं है वो वन ईयर का कौन सा कोर्स किया भाई। यदि मर्चेंट नेवी गया तो कोई भी बंदा आता है, ओपन सर्टिसी वाला भी है जो सिर्फ बंदा कर रहा है, एक सैनिक दाजे मार के आ गया, तो उसको भी पता चल जाएगा आईएमसीटी का। चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता है, लेकिन यार डीएनएस कोर्स वन ईयर का एक यही कोर्स है, वो यही बता रहा है। और उसने यूनिफॉर्म पहन रखी है तो कैडेट की है, उस वो डेट शर्ट से कोर्स किया होगा तभी उसके पास ये यूनिफॉर्म। तो साफ डिफरेंट है कि वो बंदे झूठ बोल रहे हैं और उस कॉलेज का नाम बदनाम कर रहे हैं। यार मेन बात तो ये है, किसी कॉलेज का नाम बदनाम करो, यदि तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो इस कॉलेज का गलती नहीं है। और यदि आपने जीपी रेटिंग कोर्स किया तो वो 6 मंथ का, और प्लेसमेंट कोई कंपनी देती नहीं है वो आपको भी पता होगा। इसी को बदनाम मत करो, यदि तुम्हारे साथ गलत हुआ तो बताओ तुम कि हमारे साथ ये हुआ, हम गलत चक्र में फंस गए। क्योंकि कोई बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि सर हम मैंने जीपी रेटिंग कोर्स किया वो भी नॉन डीजी अप्रूव कॉलेज से। मैं बोला नॉन डीजी अप्रूव से जीपी रेटिंग होता नहीं है। बोलता सर हमने किया। फिर मैं उनसे बात करता हूँ तो वो ऐसे आ जाते कि हम वो करवाते। तो मैं बोला सर्टिफिकेट किधर है, बोलता सर्टिफिकेट तो सर नहीं है। अब उनको भी बोला कि आपका सर्टिफिकेट क्या, बोलता सर नहीं है। सर्टिफिकेट के नाम पे ओनली वो सीडीसी बता दी कि हमारे पास सीडीसी है, वो एसटेट वाला सर्टिफिकेट बता रहे हैं, कोई कोर्स का सर्टिफिकेट भी नहीं बता रहे। तो भाई जिसने मेरे को पूछा था वो आपके पास पहुंच चुका होगा वीडियो, आपको पता चल गया होगा वो चाय क्यों बेच रहे हैं। उनका एग्जाम्पल नहीं है जो वहां पे चाय बेच रहे हैं, मैं मुंबई में आपको बहुत सारे बता सकता हूँ। बहुत सारे बंदे हैं जो जीपी रेटिंग कोर्स करके नहीं एसटीडब्ल्यू कोर्स करते हैं, जो बंदे एसटीसीडब्ल्यू कोर्स करते हैं वो भी एजेंट के चक्कर में, जो बंदे मेरे को आज भी याद है 2020 के अंदर जब मैं मुंबई में था कोरोना टाइम में, तो मेरे पास बंदे आए थे जयपुर इंस्टीट्यूट के था, पता नहीं इंस्टीट्यूट क्या नाम हो फ्रोडी उधर सारा, 4-5 बंदे आए थे और हमको बोले कि हमारे पास पैसा नहीं, उन्होंने लिए है और हमें ऐसे मतलब छोटा बाज है तो भंगा टाइप को वहां पे भेज दिया और हमसे पैसा भी 1,20,000 रुपये ले लिया इंडिया मिजाज पे काम करने के लिए। और वो 1.5 महीने काम भी करके आए थे, उनको ना सैलरी दिया ना कुछ और दिया, वो वापस आ गए। और वो बंदे आज के टाइम में उधर बाहर उधर ढाबा है वहाँ पे थोड़ा वेटरिंग का काम करते हैं, खाना सब करते हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। अब वो घर वालों को भी नहीं बता सकते कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, वो कुछ बता ही नहीं सकते। फ्रेंड्स यदि प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं होगा तो ऐसा ही होगा ना। मैं आपको सीधा बोलता हूँ, यदि आपको मेरे पे डाउट आ रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप किसी और बंदे का वीडियो देखो, लेकिन एसटीडब्ल्यू कोर्स तो कभी कोई प्रेफर करेगा ही नहीं। यदि कोई बंदा करता तो आप मेरे को बताना कि भाई ये बंदा प्रेफर कर रहा हो, प्लेसमेंट दे देगा। ऐसा नहीं है कोई मतलब, जैसे मतलब आप मेरी रिलेशनशिप आ रही हो, मैं मतलब आपको लगवा दूँ कि मैं एसटीडब्ल्यू कोर्स लगवा दूँ, तो मैं लगवाने को लगवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैं लगवा दूंगा, लेकिन फ्यूचर नहीं है आपका। चलो मान लिया आपको एक आपका वो 9 मंथ का सेलिंग हो गया, फिर चलो आपने पैसे दिए हो गए, फिर आपके पास वॉच कीपिंग हो गया, ठीक है वॉच कीपिंग हो गया। अब आप अभी आप AB बन गए, ठीक है AB बनने के बाद क्या होगा, आप बहुत संतोष चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आप स्ट्रगल कितना करना पड़ेगा वो आप पे डिपेंड है, आप स्ट्रगल वाले हो या नहीं। और आप इसमें पैसा लगा सकते हो तो आप जा सकते हो, यदि कोई कंपनी ने आपको आपने अच्छा काम किया कंपनी आपको छोड़ेगी नहीं, मेन बात वही है। लेकिन एक बार यदि कोई कंपनी ने बुला लिया और आप यदि एक बार कोई अच्छी कंपनी पैसा भी लगाओगे, ओपन सीडीसी आपके पास, पहली बात तो यार ये भी छोड़ दो तुम लोग कि कोई अच्छी कंपनी अपने को लेके भी, ओपन सीडीसी वाले कोई अच्छी कंपनी नहीं लेगी, आप छोड़ दो आईटीएफ कंपनी का सपना ही छोड़ दो तुम, और RPSL कंपनी का भी सपना छोड़ दो यदि बड़ी है तो। RPSL कंपनी के पास यदि ओपन सीडीसी वाले हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस होगा, या वो पुराने टाइम से उस टाइम तो वैकेंसी भी बहुत कम थी, अभी तो पूरा मर्चेंट नेवी का महासागर है, पूरा भरा हुआ, पूरा बॉम्बे भरा हुआ मर्चेंट नेवी के बंदों से, पूरा बॉम्बे भरा हुआ बहुत सारे बंदे। तो इसमें आप यदि स्ट्रगल कर सकते हो कि हाँ भाई मैं स्ट्रगल कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, 2-3 बार प्लेसमेंट की पैसा दे सकता हूँ मैं, तो अलग बात है, तो आप जाओ भाई, कोई मना ही नहीं है। यदि आपके पास यदि आप स्टार्टिंग में जाओगे तो 5 लाख रुपये मांग लेगा जाए, और दोबारा जाओगे फिर 3 लाख नॉर्मली मांग लेगा, फिर 8 लाख रुपये हो जाएगी। बात तो वही है ना फ्रेंड्स,
8 लाख रुपए हो गए, फिर आपने 2.5 लाख वो दिए, इतने पैसे जा रहे हैं तो क्या क्या मतलब हुआ फिर? आप पैसे देते रहो, कमाओगे कब? आपको 2-3-4-5 साल तो ये उतारने में लग जाएंगे। और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, आपको पता है इतना पैसा प्रेफर नहीं कर पाएंगे भाई। यदि मैंने आप इस तरीके से जाओगे मत, और किसी पे बिलीव तो करो यार, यदि मेरे पे नहीं करो किसी दूसरे बंदे पे करो यार। और कभी वीडियो देखो यार, मैं अपना नहीं बता रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो देखते चलो कि मैं सच बोल रहा हूँ, किसी दूसरे का भी देख लो। और मैंने वैसे भी 2-3 बार हर वीडियो में लगभग बोला होगा, राजस्थान हरियाणा में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। एक बंदा बोला भी था कि आप झूठ बोल रहे हो, ये इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन भी दिखा रहा है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि जयपुर में एक हरियाणा गुड़गांव में दो ऐसी चीजें हैं जो सही है, मैं बताता हूँ आपको। जयपुर में एक कॉलेज है जिसका नाम है रुद्राक्ष, ठीक है। उसके पास क्या एक आरपीएस है, ठीक है। आरपीएस है तो उसका, उससे क्या होता है कि मतलब वो जहाज भी बेच सकता है, लेकिन उसका भी वो सर्विस चार्ज पे करता है, ये मैंने सुना है। कन्फर्म जाके नहीं है वहाँ पे, वो लोग बोलते हैं कि उनके पास आरपीएस है, पैसा लेती है लेकिन काम करवाती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आरपीएस है, प्लेसमेंट करवाती है, कोई दिक्कत नहीं है उसका, लेकिन वो कोर्स कहाँ से करवा रही है? हमें जहाज पे जाने के लिए कोर्स करना पड़ेगा ना, हमें हम कौन सा कोर्स करवा रही है? वो उधर ही अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रखा है, वो बोल रहे हैं, और उधर ही मतलब बहुत अच्छा खासा कैंपस है उनका, और पता नहीं कितना रुपए ले रही है, और समथिंग HTW कोर्स करवा दे, जीपीएटी कोर्स किसी को नहीं करवाती, फालतू में पैसे दे रही है। एक सेम ऐसा ही गुड़गांव में है, सी ऐसा कुछ नाम है, सन होक ऐसा कुछ एक इंस्टीट्यूट वो है, कंपनी है, वो भी आरपीएस कंपनी है, और वो भी कोर्स करवा रही है। बोलो कोर्स हालांकि है ही नहीं, डीजी प्रो कोई कोर्स है ही नहीं उनके पास, उनके पास ओनली आरपीएस है, वो अपने कोर्स करवा रही है बंदे, उधर 4 महीने किसी भी जगह रख रही है उनको, और ऐसे चल रहा है उनका, और लास्ट में वो HTW कोर्स करवा देते हैं, ऑपर्चुनिटी दिलवा देते हैं, फिर चलो भाई तुम्हें जहाज भेज दिया। अब एक बार जहाज भी भेज दिया, दोबारा बंदों को कंपनी बुलाते नहीं, फिर वापस आते हैं, सर हमें कंपनी ने बुलाया नहीं, तो वो बोलते हैं हमारी गलती नहीं, हमने आपको भेज दिया। अब बंदा वापस कि कहाँ जाए फिर दोबारा, या तो पैसा दो फिर या छोड़ दो मर्चेंट ने, बस ऐसा। यदि पैसा नहीं है तो वो मैंने आपको बताया, कुछ चाय भेज रहा है, कोई ढाबा खोल के बैठा है, कोई कहाँ कहीं भी वेटर है, तो ऐसा ही चल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ बी केयरफुल, यदि आप ज्वाइन करते हो तो प्रॉपर अच्छे तरीके से ज्वाइन करो। मर्चेंट नहीं, बहुत बढ़िया जॉब है, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ, बहुत ही बढ़िया। यदि आप सही तरीके से ज्वाइन करते हो तो बहुत ही फैंटास्टिक जॉब है, मैं आपको पूरा करियर ही बता रखा। यदि कोई भी डाउट हो आप मेरे को सेंड करो, कोई भी विषय कोई भी हो कि आपको ये यार मेरे को पूछना है, प्रॉपर भेजो, मैं आपको या तो उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा या आपको मैं बता दूंगा, वही पे बता दूंगा मैसेज में कि ये ऐसी चीज़ है। यदि वीडियो बनाने की जरूरत आई तो मैं बनाऊंगा आपको। और मेरे एरिया में ऐसा मतलब ज़्यादा और कोई फ्रॉड मानते हैं, ऐसा नहीं है भाई। आपको कोई डाउट हो ठीक है आप, तो फ्रेंड्स यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैंने थोड़ा सेटअप भी बना लिया है, थोड़ा अभी मेरे पास टाइम भी है, तो मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं सब डालूंगा। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम भी है, जैसे जैसे टाइम लेगा मैं सारे वीडियो डालता रहूँगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं और जो फंसे हुए भी हैं उनको भी आप शेयर कीजिए, ताकि उनका भी थोड़ा फायदा हो सके। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, थैंक यू।